इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है और पीटीआई वकील ने मौकिफ अपनाया कि हाईकोर्ट ने इंतखाबात के लिए एक साल का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन मेंबरान का कहना था कि सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। नुमाइंदा जीएनएन आतिफ भट्ट से मजीद मालूमात लेंगे। जी आतिफ, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में तहरीक इंसाफ पार्टी इंतखाबात का जो केस था उस पर चार रुकनी बेंच ने समाअत की है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं और बैरिस्टर गौहर की जानब से कहा गया कि हाईकोर्ट ने इंतखाबात के लिए एक साल का वक्त दिया है, जिस पर मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स में कहा कि सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, आप अपनी पार्टी में इंतखाबात नहीं करा सकते। ताहम बैरिस्टर गौहर की जानब से इस्तदा की गई जो ताखीर हुई है उसको सरफे नजर किया जाए और इलेक्शन कमीशन जो है उसको दरगुजर कर दे। ताहम जो मेंबर कमीशन है उनकी जानब से कहा गया कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हम ऑर्डर जो है वो कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन की जानब से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लक जो केस है उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और अब फैसला जो है वो किसी भी वक्त जो है वो सुनाया जा सकता है। हम और जो कानूनी टीम थी उनकी जानब से ये राय दी गई इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है कि वो पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जो है वो दरगुजर करे। तहम इलेक्शन कमीशन बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया।